लगातार हो रही बारिश के मद्देनजर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट व उप जिलाधिकारी सदर आईएएस गौरव सिंह सोगरवाल ने शुक्रवार को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र ग्राम सेमरा व जगतबेला का निरीक्षण किया तथा बाढ़ ग्रसित लोगों को तत्काल सहायता देने का निर्देश दिया। एसडीएम सदर ने बताया कि तहसील सदर क्षेत्र में 22 गांव मैरुंड घोषित किए गए, जहाँ के नागरिकों को बाढ़ चौकियां और आसपास के प्राथमिक स्कूलों पर शिफ्ट किया गया है। इनके खाने पीने की समुचित व्यवस्था की गई। लेखपाल और राजस्व कर्मी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आईएएस एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा, खतरे वाली बाढ़ में हो गया, सारा इधर हो गया, अभी इसे बना नहीं करेंगे तो प्रभावित हो जाएगा, ऊपर बढ़ाना पड़ेगा लोगों को। ये तो बात की बात हो गई ना, आज का जो बचाव है तत्काल की बात कर रही है, तो तत्काल में यहाँ का सर्वे होता होगा। क्या वो लगाते हैं, वो लगाते हैं ना सर, बोरी में वो करके और उसका वो भराई हो जाए, कहीं व्यवस्था है। ये सिंचाई में आएगा सर, यहाँ के इतना तो भाई का बहुत कर ले जाएगा, इतना तो बहुत कर ले जाएगा, और कोई ना होगा जी। इस समय 5 से 6 फीट के ये करीब पड़ा सर, ना कहीं उधर निकलने लग गई है, करीब पड़ा घुमा के इसे इधर से इधर से घुमा के उधर से घुमा के और एक रास्ता सर वहाँ से है जो देख रहे सर आगे से वहाँ है, लेकिन वो सर नाव चलने में असुविधा होगी, कुल मिलाव जुला करके इधर ही आना है, हाँ इधर ही आना, इधर करीब है सब, एक नाम इधर ही लगते हैं, चार मास घूम के ही आए प्रधान की तो कह रहे हैं भाई सारा पानी तो बराबर भीग गए इसकी तहसील सदर में दो हमारे सर्किल हैं, एक तो नौसड़ सर्किल और एक जंगल कोड़िया। जंगल कोड़िया में सैमरा एक टोला है, आसपास मंझरिया, अजवनिया, डोमिनगढ़ और सिहोरिया, डहोरिया, लगभग 8-10 गांव का निरीक्षण किया, जिसमें सैमरा टोला वो पूरी तरीके से जलमग्न है। वहाँ पर एक नाव पहले हमने लगा दी गई थी ताकि लोगों के आवागमन में कोई समस्या ना हो, और दूसरी नाव को भी आज हमने लगा दी जाएगी। एक बाढ़ आश्रय स्थल के रूप में एक हमने चिन्हित किया है, उत्तरासौद उसी गांव सभा का एक गांव है, वहाँ पर प्राथमिक विद्यालय को बाढ़ आश्रय स्थल के रूप में हमने डेवलप कर दिया है। जो सैमरा के जो जितने भी हमारे निवासी हैं, लगभग 148 परिवार हैं वहाँ पर, उन सबको वहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ राशन सामग्री, पॉलीथीन जो हम देते हैं, और पशु चारा के लिए चारे की व्यवस्था, ये भी हमें सुनिश्चित करा दी जाएगी। आज शाम तक हम ये सारी सुविधाएं उनको उपलब्ध करा देंगे। इसके अतिरिक्त जो भी बाढ़ राहत से संबंधित जो भी प्रकार की सामग्रियां होती हैं और जिस भी प्रकार की सहायता दी जाती है, उसके लिए भी हमने संबंधित कानून को लेखपाल को बता दिया गया है। आज लगभग 4 से 5 घंटे हमने उन गाँव क्षेत्रों का दौरा किया, बाढ़ की स्थिति को देखा। पिछली रात्रि से जारी अनवरत बारिश के कारण भी कुछ जगह जलभराव की समस्या उत्पन्न हो गई है, जिसमें सेंदुली बंदुली नौसड़ क्षेत्र में, रामगढ़ ताल क्षेत्र में और बड़गो और के आसपास जलभराव की समस्या है। वहाँ पर तहसीलदार सदर गए हैं, वहाँ पर भी जलभराव की समस्या को समाधान के लिए कुछ एक दो जगह कट लगा के उस पानी को निकाला जा रहा है ताकि निकासी हो जाए, वो भी पिछले 4-5 घंटों से वहीं पर हैं। तो इस तरीके से तहसील सदर के लगभग 22-23 गांव हमारे मैरून घोषित किए गए हैं, वहां पर हम पूरी तरीके से हमारे लेखपाल कानूनों के द्वारा हर स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं, किसी भी स्थिति पे तुरंत पहुंचकर वहां पे लोगों को आवश्यक सुविधाएं, आवश्यक सेवाएं, आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है।